नमस्कार, स्वागत है आपका कशिश न्यूज के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ शमा सुहेल और आप देख रहे हैं गर्दा चार के। गदगारके में आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। 18 अप्रैल को होने वाली लोकसभा के दूसरे चरण के चुनाव में असली अग्नि परीक्षा बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की होनी है। 5 सीटों पर जहां एनडीए के प्रमुख घटक दल भाजपा और लोजपा एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही, वहीं जदयू 5 सीट पर अपने भाग्य आजमा रही है। भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया जैसी बीजेपी की पारंपरिक सीटों पर नीतीश के उम्मीदवार अपने विरोधियों से तो परेशान है ही, सहयोगी भी कम घायल नहीं कर रहे। इस लोकसभा चुनाव में कहे तो नीतीश ने अपने दुश्मनों की फेहरिस्त लंबी कर ली है। बीजेपी की पारंपरिक सीट पर दावा कर नीतीश ने विपक्ष के साथ ही गठबंधन के दिग्गज नेताओं से भी नाराजगी मोल ले ली है। 18 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में है। इस चुनाव में फतह हासिल करने के लिए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार दिन रात एक किए हुए हैं। वजह साफ है, जेडीयू में नीतीश के अलावे दूसरा कोई और चेहरा नहीं जो जेडीयू की चुनावी नैया पार लगा सके। हालांकि बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने पहली दफा बांका से किशनगंज तक अपने सहयोगियों को बेदखल कर दिया है और अब इंतजार है विरोधियों को बेदखल करने का। यही वजह है कि नीतीश ने जातीय समीकरण का पूरी तरह से ख्याल रखते हुए द्वार बनाया है। 12% बाहर रह जाते थे बच्चे, अब नाम मात्र के बाहर रहते। तो ऐसी स्थिति और एक एक क्षेत्र में काम और फिर स्कूलों का, नए स्कूलों का निर्माण, कितने टीचर, 3 से 4 लाख के बीच में नए शिक्षक का नियोजन, तो कौन सा काम है जिसको छोड़े आप बता दीजिए। अस्पताल, भाई हमको तो 2005 से मौका दिया है आप लोगों ने नवंबर महीने से, उसके पहले 15 साल की जिनकी सरकार थी आप पता कर लीजिए क्या हालत था प्रखंड के स्तर पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका। हमने आकलन करवाया था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, औसतन पूरे बिहार में एक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसतन महीने भर में 39 मरीज जाते थे। जरा बताइए ब्लॉक की आबादी कितनी, सरकारी अस्पताल नहीं चलता था तो एक दिन में एक या कभी कभी 2 मरीज जाते थे। और जब हम लोगों को मौका दिया तो हम लोगों ने तत्काल अस्पतालों की स्थिति में सुधार किया, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स और मुफ्त में दवा का इंतजाम। नीतीश के सामने मुश्किलें भी कम नहीं है। एक तरफ तो उन्हें चुनौती देने के लिए बांका में जयप्रकाश नारायण यादव, भागलपुर में बुलो मंडल और कटिहार में तारिक अनवर जैसे दिग्गज हैं ही, वहीं भागलपुर, कटिहार और किशनगंज जैसी बीजेपी की पारंपरिक सीट को लेकर उन्होंने अपने गठबंधन के दिग्गज नेताओं की नाराजगी भी मोल ली है। तो बांका में पुतुल सिंह से राजनीतिक दुश्मनी मोल लेकर पूरी तरह से इज्जत को दांव पर लगा दिया है। यानी नीतीश को अंदर और बाहर दोनों से मिल रही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री का दौरा भागलपुर में हो चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी के आगमन से एनडीए कार्यकर्ता कितने रिचार्ज होंगे देखना बाकी है। आगत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय करने की मांग बरसों से हो रही थी, ये पूरा करने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। अब पीएम किसान सम्मान योजना की वजह से बिहार के 1.6 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को साल में 3 बार सीधी मदद मिलनी शुरू हो चुकी है। अल्पसंख्यक और अति पिछड़े मतदाताओं वाले इन 5 क्षेत्रों में इन वर्गों को वोट लेने के लिए नीतीश ने टकराव से परहेज करने की कोशिश की है। देखना है उसका कितना लाभ उन्हें मिल पाता है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि दूसरे चरण में नीतीश की प्रतिष्ठा तो दांव पर है ही, महागठबंधन का भी कम नहीं।